जय हिंद दोस्तों, हमारे क्रिकेट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ से T20 सीरीज़ खेल रही है और उस सीरीज़ में कप्तानी कर रहे हैं वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इस टाइम उस मोड पर रहे कि अगर चार अलग अलग टीम बना करके खेले तो चार अलग अलग टूर्नामेंट जीत करके आ सकती है। तो मुझे हार्दिक पांड्या से ये पूछना है कि चार टीम वो कौन कौन सी है जो अलग अलग टूर्नामेंट जीत करके आ सकती है। मुझे ये तो कतई नहीं लग रहा कि जो वेस्ट इंडीज़ से T20 सीरीज़ खेल रही है कि यह उन चार टीमों में शामिल होगी, क्योंकि जो टीम वेस्ट इंडीज़ जैसी लप्पू टीम से मैच हार जाए वो टीम उन चार टीमों में से तो नहीं हो सकती। और मेरे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि हार्दिक पांड्या कल के मैच में कौन सा नशा फूंक करके कप्तानी कर रहे थे। अक्षर को पता नहीं क्यों टीम में लिया जब उससे बॉलिंग ही नहीं करवानी थी। जब उसे बॉलिंग ही नहीं करवानी थी तो जायसवाल को खिला सकते थे टीम में होती, लेकिन नहीं, हमें तो ऐसा करना ही नहीं है। और भाई साहब, जब कल के मैच में पूरन मैच को इंडिया से बहुत दूर ले गए थे तो इंडिया को मैच में वापस कौन लाया? चहल। चहल ने 16वें ओवर में चौथी और आखिरी गेंद पर होल्डर और रेटमायर को आउट करके वेस्ट इंडीज़ को लगभग मैच से बाहर कर दिया था। लेकिन हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया और फिर क्या हुआ, वेस्ट इंडीज वापस मैच में आई और 2 विकेट से मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे हो गई। अब वेस्ट इंडीज को सीरीज जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मैचों में से 1 मैच जीतना है, जो कि मुझे लगता है कि आरामी से जीत जाएंगे। और इंडिया को यह सीरीज जीतने के लिए 3 मैचों में से 3 के 3 मैच जीतने हैं, अब वह सीरीज जीत सकते हैं। लेकिन इन 2 मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया 3 मैच लगातार जीत पाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया यह सीरीज जीतेगी या नहीं।